पारशिनी शहर के ग्रामीण इलाके में मंगलवार की दोपहर पारशिनी पुलिस बनेरा टोली गांव के जंगल इलाके में छापा मारकर अवैध तरीके से मवा दारू तैयार कर रहे दो आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही 1,18,000 का माल भी पारशिनी पुलिस ने आरोपियों से बरामद किया। रमेश शालिक गुरजी उम्र 38, रविंद्र फजित मड़ावी उम्र 21, दोनों बनेरा टोली गांव के रहने वाले हैं, जो चोरी छुपी गांव के पास से जंगल में मवा शराब तैयार कर रहे थे। इसकी गुप्त सूचना पारशिवनी पुलिस को मिली, वही तुरंत पारशिवनी पुलिस हरकत में आते हुए दलबल के साथ बनेरा टोली में जाल बिछाकर देशी शराब बना रहे अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर शराब तैयार करने में शामिल दो आरोपियों को धर दबोचा। उनके पास से पारशिवनी पुलिस ने 95 लीटर मवा शराब बरामद की, जिसकी कीमत 95,000 रुपए आकी गई। वही शराब तैयार करने में उपयोग लाई गई मोफूल और साहित्य कीमत 23,000 रुपए का साहित्य को भी जब्त किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ पारशिवनी पुलिस विभाग में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पारशिवनी पुलिस उप निरीक्षक संदीपान उबाय, सहकारी पुलिस संदीप कड़ू, सिपाही अमोल मेद्रे, पुलिस सिपाही हेमंत सोनकुसरे ने की। आगे की जांच पारशिवनी पुलिस कर रही है। BC News के लिए पारशिवनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।